Hey guys, welcome back to my new vlog channel. तो guys, अभी हम आए हैं गंगा नदी घूमने के लिए. तो guys, देख सकते हैं अभी इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं. एकदम पत्थर है पूरा एकदम नीचे और काफी एकदम कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है. और देखिए मेरे पीछे का व्यू काफी एकदम एक अलग ही तरह का व्यू है. तो गाइस चलिए आज मैं आपको गंगा नदी का पूरा एकदम दृश्य घुमाऊंगा, क्योंकि हमारे इस वक्त इतना पानी हुआ है इधर कि पूरा गंगा नदी का पूरा बाढ़ आ चुका है. तो आपको पूरा ब्लॉग बना दिखाऊंगा. तो पूरा ब्लॉग पूरी तरह से देखिए, शुरू से अंत तक पूरा ब्लॉग देखिए. आप पूरा ब्लॉग को एंजॉय करिए. गाइस इस वक्त देख सकते हैं क्या विकराल रूप है माँ गंगा का. आइए देखिए कितना पत्थर यहाँ पत्थर रखा गया ताकि पानी मिट्टी को काट ना पाए. यहाँ पर देखिए किस तरह से पत्थर यहाँ पर चल रहा. आप निकलना पहले एक बार यहाँ का व्यू देखिए. आइए देखिए फूल कितना अच्छा लग रहा है. इस फूल को क्या कहा जाता है? कनेर का फूल. इधर यहाँ के लोग कनेर के फूल को कहते हैं. फूल का पेड़ काफी नजर आ रहे हैं. आइए देखिए गंगा जी का विकराल. और इधर देखिए बहुत पानी, इस बार बहुत पानी आया है. आपको हम और आगे जा करके दिखाने की कोशिश करेंगे. पत्थर देखिए कितना पत्थर डेंजर. बैलेंस करके पूरा बैलेंस करके पूरा जाना पड़ रहा है. और ये देखिए पूरा पानी किस तरह. जय माँ गंगे. लेकिन जैसे मतलब आपको ठंडी का महीना स्टार्ट होता है पूरा पानी एकदम सूख जाता है. यहाँ का लगता नहीं कभी माँ गंगा यहाँ पे थी, मतलब पानी यहाँ पर था पूरा एकदम सूख जाता पानी. लेकिन इस वक्त इतना ना बरसात हुआ है और बाढ़ इतना ना आया है कि मत पूछिए. एकदम दूर दूर में शायद आपको बस्ती नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखिए कई सारे बस्ती एकदम डूब चुका है. गाइस मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू रहिए, और भी सारे चीज मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में. आई छोटे से बच्चे से मिलिए. क्या ऋषि जी क्या कहना है आपका? दृश्य है, देखिए पानी का दृश्य किस तरह से है. देखिए जल कुंभी है कितना अच्छा है. आइए देखिए कितना पत्थर है यहाँ पे. थोड़ा सा अनबैलेंस होगा भैया तुरंत पत्थर बिगड़ेंगे. कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है यहाँ पे. गाइस हम निकलने की कोशिश करेंगे. चलिए ऋषि जी चलिए निकलिए पत्थर पे एकदम ठीक से. कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा. गजब का. लेकिन ये देखिए यहाँ बांध दिया गया. ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बांध दिया. बांध मतलब बांध है. बांध काफी ऊंचा था लेकिन पानी इतना आ गया आपको इसका ऊंचाई का भी नहीं पता चल रहा है. इस तरह का पानी है, बहुत पानी इस बार आया, काफी अधिक पानी है. क्या गंगा नदी का विशाल दृश्य देखिए इस वक्त. एकदम पूरा पानी भरा हुआ है. ये बांध कभी भी टूट सकता है. और इधर देखिए इधर गांव है, इधर पानी देखिए पूरी तरह से बांध में सट चुका है. इस बांध को कभी भी तोड़ के पानी इस तरफ से इस तरफ आ सकता है. काफी भयावह दृष्टि लग रहा देखने में. एक नजर में देखे तो इस बार गंगा माँ काफी गुस्साई हुई नजर आ रही है. एक तो कोरोना, एक तो बाढ़, इतना सारा जिसे लोग आखिर बच के कहाँ जाएगा इन सब चीज से. ये बबूल का पेड़ है, इन बबूल का पेड़ होता है. सॉरी जलेबी का पेड़. जलेबी खाते थे बच्चा बबूल, सब जलेबी का पेड़ है. और इधर देखिए गंगा का रौद्र रूप. लगता है भगवान शंकर ने अपना जटा खोल दिया है इस सावन में. जिस प्रकार से लॉकडाउन, जिस प्रकार से देवघर का मंदिर में किसी भक्त को नहीं जाने मिला, भगवान शंकर पूरा गुस्सा चुके हैं. उसने अपना जटा खोल दिया है जिसमें माँ गंगा कैद रहती है. और ये उसी का परिणाम लग रहा है. क्या पानी है देखिए. इधर पूरा बांध में पूरा एकदम थोड़ा खाली बाकी नहीं, कभी भी बांध टूट सकता है. इधर पूरा किसान के देखिए कितना फसल का नुकसान होगा, कितना लोग घर से बेघर हो जाएंगे. जिला खगड़िया के पास है मानसी से. यहाँ देखिए यहाँ से मुंगेर तक पूरा पानी भरा हुआ है. पानी का पूरा आवाज आ रहा है. ये देखिए इधर बांध, इस बांध ये बांध कभी भी टूट सकता है.
अगर प्रशासन मेरी आवाज तक पहुंच रही है तो कृपया इस चीज पर ध्यान दें। और ये देखिए पानी का रौद्र रूप, इतना पानी इस बार, हर बार की तरह, जैसे अगर पिछला बांध रहा था तो जरूर पानी अंदर अब तक कर गया होता शायद, बांध को फिर से ऊंचा किया गया उसके बावजूद पानी का, देखिए देखिए इधर का कुछ नज़ारा देख लीजिए, इधर भी बहुत सारे नज़ारा, पूरा एकदम खेत में मकई लगा हुआ है इस बार, वैसे भी ये एरिया मकई के लिए काफ़ी फेमस एरिया है। देखिए इधर रणधीर भाई को पूछेंगे, इंटरव्यू लेते रणधीर भाई। और एक कभी अब वो पोल किसी का है, आयो? बिजली का पोल है क्या, वो देखिए दूर में एक ही पोल। और इधर देखिए सारे लोग आ चुके मुआयना करने, कभी भी बांध टूट सकता है। और ये बोरा उठा के रखेंगे अभी लोग। इस बार तो पानी सही बहुत भयंकर पानी ने, इधर भगवान शंकर जी पूरा गोसा चुके, लगा जटा खोल दिए, तीन को खोल दिए बगल से देसी। देख रहे पूरा मुंगेर तक पानी लबालब भरा हुआ है, एक है देखो पूरा समंदर लग रहा है। क्या ग्रामीण क्या कहना आप लोग का, सबसे पहले आप बोलिए। 2016 से ज्यादा पानी हो गया है, 2016 से ज्यादा पानी इस बार हो गया से ज्यादा पानी हो गया है। अगर पुराना बांध जैसा पुराना बांध था तब अब तक वो शायद पानी एंट्री कर गया होता। यहाँ का जो कलेक्टर साहब है, क्या नाम है, कलेक्टर साहब का नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो आए थे मुआयना करने के लिए, खाली दो तीन मिट्टी इधर से गिराया गया, इसीलिए गिराया गया। क्या कहे कि यथासंभव हम पूरी कोशिश करेंगे इस बांध को रक्षा करने के लिए, हम इस बांध को टूटने नहीं देंगे। लेकिन प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता है, नहीं चलता है, लेकिन इसमें सारा शक्ति लगा देंगे। रेलवे है, आसाम रोड है, ये बात भी NH है, रेलवे है, सबको बचाने के लिए सारा शक्ति। ये काफी मेन रूट पड़ता है इस असम जाने वाले के लिए, उत्तर भारत। और अंकित क्या कहना है इस पर, क्या कहना है इतना दिन सोच रहे बांध टूटे जल्दी गम पानी। देखिए कितना नेगेटिव सोच है ऐसा बच्चा का, इतना किसान का इतना अनाज लगा हुआ जो बर्बाद होगा, इसका क्षतिपूर्ति कौन करेगा, सरकार देगा। तो सरकार का पॉकेट सरकार पास पैसा आता है, हम रेस लेके सरकार हम ही तुमसे पैसा लेता है जी, है हम रेस लेके हमरे देगा सरकार। देखिए पूरा किसान के इधर फसल लगा हुआ, पूरा मकई लगा हुआ, वैसे भी ये एरिया मकई के लिए काफी फेमस एरिया है। अब रिकॉर्डिंग हो गया, अब यूट्यूब पर जाएगा तुम्हारा वीडियो, पानी है लेकिन नहाने वाला पानी उधर ही है, उधर नहीं कत किनारे में तेरे लावे छा, घोड़ा की कर ली अपन, कितना में रे हमें तो झाड़ा फिर। तो गाइस यहीं पे हम तो वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो इस नज़ारों के साथ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, तब तक के लिए आपको बाय कहते हैं, माँ गंगा के एक बार दर्शन कर लीजिए। ये देखिए माँ गंगा के इस बार काफ़ी भयंकर रूप दिखाई दे रहा है, तो तब तक के लिए बाय।